बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी मान्यवरों से आपके साथ ही मैं ऐसी हस्ती को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने दो दशकों से सक्रिय रहकर जटिल रोगों के मरीजों को अपने आयुर्वेदिक औषधि से बॉडी रिवाइवर से संजीवनी देने का लगातार काम करने वाले शख्स हैं, जिन्हें मुनीर खान जी कहते हैं। जी हाँ, साइंटिस्ट मुनीर खान जी, राजस्थान के कोटा निवासी मुनीर खान साहब मानवता की सेवा का व्रत लेकर 1996 में मुंबई आए थे और लगातार आज भी बॉडी रिवाइवर के जरिए अपनी लगातार लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं, तो स्वस्थ जीवन दे रहे हैं। बॉडी रिवाइवर से लोगों को रोग मुक्त किया है। मैं ऐसे ऐसे शख्स को मुनीर खान साहब को अपने और गरीबों की मसीहा घूमते हैं मशहूर हैं कल्पना सरोज जी, उनको भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रजापति जी आए हैं, आर्यन प्रजापति जी। जी हाँ, आपने हाजिर सर फिल्म बागी में बहुत ही आर्यन जी को आने दिया जाए प्लीज। किसने पकड़ के रखा? अमिताभ बच्चन जी के साथ 40 साल के हर कोई चाहे उनके बच्चे की शादी हो चाहे उनकी मदद करने के बाद, तो अमिताभ बच्चन साहब हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। बहुत ही सीनियर फोटोग्राफर हैं, बेस्ट फोटोग्राफर हैं। जोरदार ताली, सर्जिकल स्ट्राइक।
थैंक यू सर बी विल बी प्रोजेक्ट चल रहा है, एक का मूवी कर रही हूँ मैं ऐसे लिट, नाम है उसका सरकार हासिर, जो पूरा कॉर्ड ड्रामा है। कौन डायरेक्ट, कौन कर रहा है, फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल, डायरेक्ट कर रहे हैं प्रदीप व्यास, और सॉरी प्रोड्यूसर है प्रदीप व्यास, और डायरेक्ट कर रहे संजीव सर। किस तरह की फिल्म है ये? पूरा कॉर्ड ड्रामा है, जैसे अपना अरुषि हत्याकांड हुआ था पूरी उस टाइप की बेस्ड स्टोरी है। आप इसमें क्या कर रही है? मैं उसमें लॉयर बनी हूँ, जो मेन लीड कर रही हूँ उसमें ऐसे लॉयर। वकील का भूमिका निभा रही है जी। तो किस तरह की तैयारी की है आपने? थोड़ा सस्पेंस रखूंगी, आपको देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। मैंने अपना 100% दिया है। लेट्स सी, कब तक रिलीजिंग और कब तक शूट पे जाने की तैयारी? ऑन फ्लोर जा चुकी है ऑलरेडी, और रिलीजिंग डेट 10th मार्च है जी। बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस था। पीआरओ प्रमोटर हिमांशु झुंझुनवाला, कहती है क्या है हाल मेरा, की ख्याल एक जैसे है, भीगे भीगे तेरे लब मुझसे कुछ कहने हैं। Yeah.
चाहा है। आज की रात न जाना तू सा बनाया पंजाबी गाऊंगी, पंजाबी फोक गाऊंगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले अपना नाम बताना और किस बात के लिए अवार्ड मिला और कितनी क्यों अवार्ड मिलने से और कहीं ना कहीं अवार्ड की लड़ी लग गई है, एक के बाद एक अवार्ड मिलते जा रहा है, क्या ऐसा होती है जब अवार्ड मिलता है? हेलो एवरीवन, आई एम संचिती सावत और मुझे अवार्ड मिला है बेस्ट किड सिंगर करके। सो मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी, सबसे पहले गॉड को, मेरी मॉम डैड को और हिमांशु सर एकता भी मैं कर, बिकॉज आज वो अगर नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। और इतने सारे अवार्ड्स की आपने बात की है तो मुझे ऑब्वियसली बहुत बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई अवार्ड मिलता है, एंड इससे ज़्यादा खुशी की बात है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम संचिती सकट। मेरा एक नया एल्बम आ रहा है लव हुआ और एक्चुअली वो आ गया है, सो यू ऑल कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब एंड लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो मैं दो लाइन गाना चाहूँगी अपने एल्बम के, एक तो जान न मैं हुआ ये राय, वो जवानों की थी वो पहली पहली मैं जवान लड़की वो जवान लड़का हो गए संती, हुआ 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 लव हुआ पहली बार। ओ बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ IM अवार्ड्स की, मासूम जी, कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे अवार्ड फंक्शंस होते रहने चाहिए और कलाकारों के लिए यही सबसे बड़ा उत्साहवर्धन होता है कि लोग हमारी कला की तारीफ करें, हमें अवार्ड दें, हमें नवाजें, बस और कुछ नहीं। ये तो थोड़ा सा सरप्राइज रहेगा, सभी लोग सरप्राइज रखते हैं, लेकिन हाँ फिर भी मेरे अभी तो गाने एल्बम के सॉन्ग्स ऑन रिलीज हैं, कुछ फिल्म के गाने रिलीज पे हैं और बाकी बहुत ही सारी चीज़ें चल रही हैं, शूटिंग्स चल रहे हैं, बहुत ही जल्द हम लोग अब्रॉड जा रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर के। सो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं अपकमिंग, मेरे फेसबुक पेज पे भी आप देख सकते होंगे सारे अपडेट्स आते रहते हैं। जो मैं आज परफॉर्म किया अवार्ड फंक्शन में, मैं आपको वही गाना सुनाती हूँ, मेरा बहुत पसंदीदा गाना है। छाओ पे तिलक सब चीनी रे, मुँह से नैना मिलई के, नैना मिलई के मुँह से सपनों में आई के, नैना मिलई के मुँह से सपनों में आई के, मतवाली कर दी नी रे मुँह से नैना मिलई के। आज अवार्ड ऐसा खड़ा लो खड़ा, कितनी खुशी हो रही है जब इस प्रकार का अवार्ड दिया जाता है कलाकारों को, उनका सम्मान किया जाता है और उसमें आप शामिल होते हैं। अवार्ड फंक्शन में आए कितनी खुशी हो रही है, और इस प्रकार का अवार्ड जब होता है और कलाकारों को जब सम्मानित किया जाता है तो कैसा फील करते हैं जी? आज का ये अवार्ड फंक्शन, IMA अवार्ड जो पिछले 30 साल से दिए जा रहे हैं, हमारे मित्र सुदर्शन जी और कैलाश मासूम जी ने मुझे इनवाइट किया था, और ऐसे फंक्शन से जो कलाकार होते हैं उनको एक प्रेरणा मिलती है और जितना अच्छा काम करते हैं और वो जब पुरस्कार मिलता है तो और ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, और जिन्हें नहीं मिला
वो ऐसे प्रोग्राम की प्रेरणा लेकर और कोई अच्छा समाज में काम करने के लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। इसलिए आज जिन भी कलाकारों को अवार्ड मिला उन सबको मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे भारतवर्ष में ऐसे फंक्शन होने चाहिए जैसे जैसे मेरे मित्र कैलाश मासूम जी ने पिछले 10-11 साल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी एक अवार्ड वो देते हैं, वो बहुत बड़ा फंक्शन है। तो मुझे लगता है कि ऐसे फंक्शन होने चाहिए और जो कलाकार काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर उनका कोई ऐसा अवार्ड दे के सम्मानित करे तो उनको बहुत प्रेरणा मिलती है और इससे उनके परिवार को भी खुशी होती है और समाज में भी उनके प्रति आदर होता है। जब कोई अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी की बात होती है और मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे आए थे और जिनको मैं पसंद करता हूँ वो भी कलाकार यहाँ आए थे, उनको भी यहाँ मुझे देखने को मिला। और मैं सुदर्शन जी को और कैलाश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे फंक्शन रेगुलर करते रहे और इस काम में मेरे जैसे सांसद से अगर कुछ मदद हो सकती है, कुछ उनके मैं काम आ सकता हूं तो जरूर मैं उनके साथ रहूंगा। तो इस प्रकार का कार्यक्रम करने के लिए बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे ऑर्गेनाइजर जो होते हैं, बिकॉज कि ये बहुत बहुत सारे फंड का ज़रूरत होता है और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो सरकार इस प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं करती है, उसमें आपका क्या योगदान रहेगा कि हाँ आने वाले दिनों में जी ऐसे प्रोग्राम के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय जो कल्चरल डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, राज्य सरकार का, अगर आप कोई फंक्शन अवार्ड फंक्शन करते हो तो इस मंत्रालय को अगर रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ एप्लीकेशन करेंगे तो हमारे भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी इसमें मदद करती है। और हमारी आदरणीय मोदी जी की सरकार तो सबके लिए, जैसे नए कलाकार हो, कोई पुराने भी कलाकार हो, तो इनको प्रेरणा देने का काम हमारी सरकार करती है। और ऐसे प्रोग्राम करने के लिए तो दिक्कतें तो बहुत आती है, स्पॉन्सर लेना पड़ता है प्राइवेट में, स्पॉन्सरशिप के ऊपर इतना बड़ा खर्चा होता है ऐसे फंक्शन में, लेकिन सरकार भी इसमें ज़रूर मदद करेगी। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ जिसमें ये पूरे डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे फिल्म सेंसर हो या बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स है वो सब आते हैं। मैं जरूर आपका सजेशन मैं भारत सरकार को जरूर कहूँगा। सुदर्शन जी आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ये अवार्ड करने के लिए और कितने अस्वस्थ है और कितने खुश है कि हाँ चलो बड़े कठिनाइयों के बाद हमारा ये कार्यक्रम सफल रहा जी। जैसे हमने तो पहले कैलाश जी को बोला था कि सुनील साहब को लाना ही है, अगर वो नहीं आएंगे तो प्रोग्राम हम आगे पीछे करेंगे, तो उन्होंने बताया कि डेट को सुनील जी आएंगे, गायकवाड़ साहब आएंगे, जरूर आएंगे। और कुछ जो हमारे स्पोर्ट्स के जो जिनको दोनों हाथ नहीं है, जयंत गांजुल जी एडवोकेट है और ब्लैक बेल्ट भी है, जो ये क्लब है इंडियन मार्शल आर्ट 30 साल से चला रहा हूँ, उसके पहले 15 साल चला था लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वो पहला हमारा ब्लैक बेल्ट है जिसको दोनों हाथ नहीं थे, जो अभी अवार्ड लिया आपने। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे इंडिया में, मैंने 5,000 स्टूडेंट्स को तैयार करके भेजा है, तो उसमें सारे गरीब बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिनसे हम फी नहीं लेते, तो उस लिए भी हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गायकवाड़ साहब को, खासदार अपने पीएम साहब को, क्या कुछ ना कुछ करे अपने हमारे उस बच्चों के लिए। अरे मोदी जी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, प्रधानमंत्री ने आज तक जो प्रधानमंत्री ने जो किया ये नरेंद्र मोदी साहब ने, इससे पहले किसी ने नहीं किया, अच्छा काम कर रही है।
हम हमेशा उनके साथ में ही हैं। गायकवाड़ साहब को हम फिर से बोलेंगे कि इन बच्चों के लिए और ये आर्टिस्ट लोगों के लिए, ये कलाकार हम फॉरेन में भेजते हैं टूर्नामेंट्स के लिए, प्रोग्राम के लिए भेजते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जो टूर्नामेंट होते हैं तो हम अपने क्लब से फंड निकाल कर देते हैं। कभी हांगकांग जाते हैं, जापान जाते हैं, चाइना जाते हैं, मतलब हर जगह भेजते हैं। नेपाल तो हर वक्त चले जाते हैं बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे भी है, बहुत सारे बच्चे, लेडीज बच्चे जेंट्स हैं, 5 साल से लेके 7 साल तक के लोग इसमें सीखते हैं अभी भी। तो साहब आए इसके लिए मैं हम हमारे क्लब की तरफ से हम सब खुश हैं और सारे लोगों ने अच्छा ये किया, योगदान दिया है। सबसे ज़्यादा हमारे कैलाश मासूम जी है और एक हमारे अर्पित इंगले जी हैं, उन्होंने बहुत साथ दिया है। उनके साथ अगर वो साथ नहीं देते तो ये प्रोग्राम नहीं होता, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे कितना कठिन होता है इस प्रकार का कार्यक्रम करना और सफल हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सफल हुआ कार्यक्रम, सफल रहा, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे सारे विषयों पे और आज का जो अवार्ड फंक्शन था उसके बारे में अगर जानना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे जी? मैं सच पूछूं तो प्रोग्राम सफल हो गया है, शायद इससे इतनी उम्मीद भी नहीं थी जितना प्रोग्राम सफल हो गया। सबसे पहले हम माननीय डॉक्टर सुनील गायकवाड़ साहब का धन्यवाद अदा करेंगे कि छोटी सी प्रोग्राम में आकर के उन्होंने इस प्रोग्राम को बड़ा कर दिया। अगर वो शायद नहीं आते तो प्रोग्राम उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन उनके आने से प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया। और दूसरी बात ये थी, मैं भी ऑर्गेनाइज़र हूँ तो कोई इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं छोटे बड़े, उनको कोई स्पॉन्सर मिलते नहीं है तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। वो तो खैर हमारा अपना व्यक्तिगत मैटर है, हम लोग कैसे भी प्रोग्राम करते हैं बहुत, लेकिन बहुत सारे जो MPs होते हैं या मिनिस्टर होते हैं या जो बड़े बहुत, वो लोग भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। तो इस ख़ास तौर से मैं हमारे गायकवाड़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी इस छोटे से प्रोग्राम में आए, उन्होंने समझा कि कलाकार लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और वो आकर के उन्होंने इतना बड़ा फंक्शन बना दिया इसको, तो हम सब लोग खुश हैं उससे और प्रोग्राम भी हमारा बहुत अच्छा उनकी वजह से हो गया है। जी गायकवाड़ साहब, आखिरी खून की दलाली कर रही है सरकार, वो भी ऐसे व्यक्ति PM प्रधानमंत्री मोदी जी जिन्होंने इस पर कोई अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं जितने भी मेरे वर्ल्ड के दोस्त, फैन, फ्रेंड्स जितने भी हैं, जहाँ भी हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों के बाद मुझे वापस वंस अगेन एक ट्रॉफी मिली जिसके लिए बचपन से दौड़ते आया हूँ, भागते आया हूँ, वापस से फिर एक बहुत खुशी का माहौल है और बहुत खुशी हो रही है। पूना लाथूर से आके हमारे जो वहाँ के सांसद हैं उन्होंने मुझे सम्मानित किया और मैं बहुत खुश हूँ। इसका सारा क्रेडिट मेरे माँ बाप, मेरे परिवार को जाता है, मेरे भाइयों को जाता है और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मेरी मुसीबत में, दुख में, तकलीफ़ में हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं जो मेरे दोस्त। आगे भी आई हैव ए थिंकिंग कि आई हैव टू डू स्पीच फ्रॉम आईफा आबाद, तो उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। आज मैं जिस लेवल पे भी काम कर रहा हूँ